जैसे आपकी कोई लड़की होती 20-25 साल की 22 साल की और कोई 65 साल का 70 साल का बुजुर्ग उससे शादी करता तो आप उसको एक्सेप्ट मजबूरी में कुछ भी कर सके आदमी। पूरी मजबूरी थी है? बड़ी। हाँ मजबूरी में कुछ भी कर सके। अगर कोई हमारे घर मजबूरी आ जाए तो अगर कोई ठिकान ना मिले तो हम कुआं में गिर के मर सका, जहर लेके मर सका, फांस लगा के मर सका। मजबूरी ऐसी होती है। लड़की की आपको हमदर्दी या आपको दया आई उसकी? हम उसके लिए मजबूरी। अच्छा इसलिए आपने उससे शादी करी है जिससे उसका दुख बांट सके आप? हाँ बाप कैसे लगा लो। अब ईसा से बात कर लेते हैं। अच्छा बताइए यानी कि जो सुरक्षा मिली है किस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ईसा जी? ना कोई परेशानी ना। अच्छा ये बताइए कि जब आपने सुरक्षा की मांग की तो उसको देखते हुए तुरंत आपको सुरक्षा मुहैया करा दी गई है तो यानी कोर्ट के प्रशासन के आभारी हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल आभारी हैं। अच्छा इतने परेशान नज़र क्यों आ रहे हैं आप? नहीं बस बुखार हो रहा है। बुखार हो रहा है? कब से बुखार हो रहा है? नहीं अभी बना है 1-1.5 घंटे पहले। कोई परेशान ना के। अच्छा ये बताइए कि जो मेवात की आवाम है और लोग भी आपसे जानना चाहते हैं कि भाई आपने शादी कर ली है, ठीक है शादी करना आपका अधिकार है, आप कभी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक नौजवान लड़की को क्यों चुना? बस राजी है दोनों घास। किसकी राजी थी? लड़की की भी उनके माँ बापन की भी, दोनों को राजी थी। हाँ सब। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई, कैसे वो आपके पास आई, कैसे आपका संपर्क हुआ उनसे? रिश्तेदारी है, उनकी बहन है, बड़ी हंसपुरी में आना जाना पहले से ही। अच्छा, आपकी रिश्तेदारी है? नहीं है हमारी क्या कहता हूँ बड़ी हंसपुरी में। हाँ तो उनका जाना आना जाना रहा, लेकिन आपकी मुलाकात कैसे हुई लड़की से? वहाँ आने जाना वो घर एक ही था वहाँ। एक ही घर है? हाँ। इसलिए आना जाना हुआ? हाँ। तो पहले कैसे संपर्क हुआ, किसने आपको मिलवाया यहाँ पे? नहीं किसी ने ना मिलवाए। तो आपने डायरेक्ट बात कर ली? नहीं डायरेक्टर भी नहीं, वो जा 3 साल से तो ये शादी हुई, 3 साल से तो आ जा रहे हैं वहाँ। नहीं 3 साल से तो आ जा रहे होंगे, लेकिन फिर एक आप इतनी ज़्यादा उम्र होगी तो मतलब कैसे आपने बोला कि ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, या फिर उन्होंने कहा, लड़की वालों ने कहा कि हम अपनी लड़की की शादी करा देते हैं आपसे? हाँ उन्होंने कहा था। अच्छा कैसे बोला था उन्होंने? ठीक है शादी कर लो हमारे राज्य से, हम कर रहे हैं। ऐसे बोला? हाँ मैं कर रहे। तो आपने मना नहीं किया कि मेरी बेटी की उम्र की लड़की है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ इससे? ये सारी बात हुई, सारी बात हुई है। हाँ तो आपने मना किया बार बार? हाँ ना मान, फिर हम वो राज्य हो गए हम भी हो। तो मैं किस चीज़ का दबाव था आपके ऊपर कि आपको मानना ही था? दबाव किसी को भी नहीं। फिर इसी चीज़ आपने नहीं सोचा कि आपकी बेटी की उम्र की लड़की है उसे शादी कैसे कर सकते हैं आप, अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है फिर वो जो लड़की है वो कैसे रहेगी, किसके साथ रहेगी, किसके साथ गुजारा करेगी? चलो ये तो जो होती है मतलब जब हो जाते हैं मतलब होते हैं होते। अच्छा आपको पता है कि बीवीपुर जो गाँव है वहाँ के लोग परेशान है, वो आज महापंचायत करने वाले हैं, महापंचायत कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि भाई यानी कि हमारे गांव की लड़की से शादी कर ली है एक बुजुर्ग सर ने, जबरदस्ती करी है उसने। ना पता। नहीं पता है? अच्छा ये बताइए कि आपको ये पता है कि शादी हो रखी है उस लड़की की पहले ही, पता है? हाँ शादी हो रही है उसके, पता है। तो उसके बावजूद आपने शादी कर ली, आपने ये नहीं बोला कि भाई यानी कि वहाँ शादी करके मैं क्यों शादी कर रहे थे, हम तलाक ली तलाक लड़का ने। तो आपने देखे उसके डॉक्यूमेंट वगैरह देखे कि भैया तलाक हुआ कि नहीं हुआ? मतलब उसने तलाक है, बिरादरी में नहीं हो से है? बिरादरी में तलाक है? लड़का तो मना कर रहा है। नहीं फिर ओसे वैसे लड़का तो मना कर रहा है मैंने तो नहीं तलाक। अब ये तो वो जाना, ये हम जाना, हमने क्या पता उन क्या हुआ क्या ना हुआ। तो बिना तलाक के तो निकाह भी नहीं होगा, तो फिर कैसे रखेंगे बिना निकाह के, कैसे रखेंगे आप उसे? निकाह तो हो गया। कैसे निकाह हो गया जब यानी कि वहाँ से जब तलाक नहीं हुआ है तो निकाह कैसे हो सकता है? तलाक जब उसने अपने जवान से तलाक दी। नहीं लड़का तो मना कर रहा है, लड़के के परिवार वाले मना कर रहे हैं कि भैया यानी कि हमने कोई तलाक नहीं दिया है और हम तो अभी भी रखने के लिए तैयार हैं। आई में तो जो फंस जाते हैं मतलब वो फिर नाट भी जाते हैं, कोई जोर आए तो ये मतलब कि ये ऐसे थोड़ी। आपके घर परिवार में सबको खुश है इस शादी से? हाँ सब खुश। अच्छी बताइए कि आपका जो परिवार है, आपके परिवार वालों से हम बातें करी, आपके बच्चे हैं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत मना किया, बहुत मना किया, उसके बावजूद हमारे पापा ने शादी कर ली। अभी बताइए अगर कल को कोई प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप अपनी बीवी के नाम कर देते तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? सब बराबर रहेंगे, कहीं ना जाएंगे, सब बराबर रहेंगे। सब बराबर रहेंगे? सब बराबर रहेंगे। अगर बीवी मना कर दिया तो? नहीं कौन केस मना कर हो जाएगी। बच्चे तो बोल रहे हैं हमने यानी कि कोर्ट में भी वकीलों से बातें करी हैं कि हमारा कोई यानी कि हिस्सा ही नहीं मिल रहा किसी तरीके से। नहीं ऐसे नहीं, ये मेरे पास है, उनके हाथ में ना मेरे हाथ में, बराबर रहेगी। तो फिर मतलब कि कैसे कि अच्छा इस बात को आप कहते हैं कि भाई मैं अपने बच्चों को प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा दूंगा? सही बच्चों को? हाँ पूरा हिस्सा दूंगा।
बच्चों की बात नहीं मानी आपने, बच्चों ने मना करा होगा ना आपसे? नहीं मना ना करी, मुझसे ये बात ना कही बच्चे, यानी कि शादी कर लो। कर ली तो कर ली, वो बच्चे क्या कहते फिर? नहीं बच्चों ने मना तो किया था ना कि यानी कि अरे पापा मत करो शादी, इतनी उम्र हो गई आपकी, मना किया था ना? जो हो गया वो हो गया, जो कर ली कर ली, हमारी उनकी राजी थी, उनके माँ बापन की उनकी, तो ये कर ली। अच्छा बताइए कि आपने इनकी कोर्ट में केस यानी कि ये बात कही है कि भाई मुझे जान का खतरा है, किससे खतरा है आपको? उनसे इनका क्या खतरा, उनसे बीबीपुर वालों से? हाँ। कैसे हो? वो परेशान करते हैं क्या? हाँ परेशान करा ना। अच्छा, क्या बोलते हैं? धमकी मारते हैं। ये अच्छा, क्या धमकी देते हैं? भाई उसे मारेंगे, ईसा मारेंगे, उनने मारेंगे, सारे ने मारेंगे, जान से मार देंगे ये बोलते हैं? हाँ। तो आपको डर लगता है? नहीं डर के लिए, जब हमने अपने से मतलब एक गवर्नमेंट से वो मांगी तो मतलब एक हमारे लिए शिक्षा भेज दी। मतलब पहले डर लगता था कि भाई क्या ऐसा ना मार दे कभी? हाँ डर तो लगना ही है। बीबीपुर वाले तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो परसों पता चला जब इंटरनेट पे हमने ये खबर देखी, आप बोल रहे हैं कि हमें जान का खतरा है? क्यों नहीं, उन्हें क्यों पता नहीं हो? उसकी उनकी लड़की रात दिन रह रही यहाँ, और वो मतलब एक दो महीना से मतलब एक यहाँ अलौदा रह रही है, तो उन्हें क्यों ना पता मतलब एक वो लड़की कर रखी है, वो उस दिन क्यों ना है हमारे पास? अच्छा कर रखी है कि लड़के से शादी हो रखी है उसकी, उसका कल कॉल आई हमारे पास, तो उसने ये कहा मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने 5 दिन पहले उस लड़की को कॉल किया था, उस लड़की ने बोला कि अभी मुझे लेने के लिए मत आओ। ये मुझे कुछ पता नहीं, लड़की बार बार उनको मना कर रही है कि ठीक है मैं शादी नहीं, मैं आ जाऊंगी आ जाऊंगी, और आपने यहाँ शादी करके उन्हें बिठा लिया। गलत बोल रहे हैं है? वो गलत बोल रहे हैं, हमारी बात हुई उन्होंने मना, आज वो बोल रहे हैं हम तो रखने तैयार हैं। उसके पास फोन ही नहीं है। किसके पास? लड़की के पास। तो माँ के पास तो होगा ना, किसे भाई के पास तो होगा, किसी के पास तो होगा फोन? है ही नहीं, बात फोन नहीं, फोन ना कर रहे हैं, फोन नहीं है उस पास। उस लड़की के, वो लड़की उस लड़के के पास क्यों नहीं जाती, उनके साथ क्यों नहीं रहती, वो क्या वजह? ये तो पूछी होगी आपने। ये मुझे कुछ पता नहीं। नहीं उस लड़के का तो जो घर बर्बाद हो गया, पता नहीं है। अच्छा लड़के का घर तो पूछते बर्बाद हो गया अब है, उस लड़के का घर तो पूछते के बर्बाद हो गया ना, अब हमें पता बर्बाद हुए को आबाद हुए। आपको कोई लेना देना नहीं है? मुझे उससे क्या लेना देना है, बस आपका घर बच गया। ये हमारे ये जबरदस्ती नहीं करी है शादी, मतलब आप खुश हैं शादी से? जब कर ली तो खुश तो हाँ ही हाँ। जनाब आपको पता है कि पूरे समाज में किस तरीके का मैसेज जा रहा है, नई पीढ़ी पर क्या असर पड़ेगा? ये चोरी नहीं करी मैंने। चोरी तो आपने नहीं की? डांका मैंने नहीं मारा किसी का, ये उजागर होया है। राजीबाजी? राजीबाजी बीपर वाले सारे ने पता हो, जब यहाँ मतलब है कि ये 2-3 महीना से उसके माँ बाप भी रह रहे हैं, वे भी रह रहे हैं, उनकी लड़की जो ब्याह वो रह रही है, तो उन्हें पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर? हाँ तो वो पहले भी आ सकते हैं हमारे पास, अगर भाई ये क्या क्या राज है? तो उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा उस टाइम से? आज तक कुछ नहीं कहा? आज तक कोई आयो ही नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अगर वो आ जाते तो शायद आप शादी नहीं करते? हाँ ना करते है? ना करते बिल्कुल, उससे कह देते भाई ठीक है हमारा मतलब है कोई ना, आज तक हमारे पास कोई आयो ही नहीं, बीपुर वाले कोई नहीं आया, नहीं कोई बच्चा भी नहीं आया। अच्छा हालात के हिसाब से 65 से 70 साल उम्र होती है और आप 15 या 10 साल जी सकते हैं? 60 और 65 और 100 कोई ना देख लो, 32 केस हुए पड़े 100 साल के इनकर रखे हैं। अच्छा ये तो मर्जी है, मर्जी तो है, जब मिल गए तो मतलब एक मन मिल गए, उनने कह दिया रजाबंदी की बातें ढेंगड़पणो किसी से किसी के गैर ना हो। नहीं आपको ये चीजें तो देखनी थी, उस लड़की की उम्र 10 साल बाद 30 साल की होगी, तब भी वो जवान होगी, फिर वो किसके गले लगेगी? नहीं आपने कुछ सोचा है कि आगे उस लड़की के बारे में सोचा है? उसे हमारे बच्चे संगवाएंगे, हम संगवाएंगे उसे, हम नुई नहीं छोड़ेंगे कि मतलब बच्चे तो मना कर रहे हैं, बच्चे तो मना कर रहे हैं आपके बच्चे इनका, जब हम जायज के हर चीज के हम मैं बैठा हूँ तो मैं आप कराऊंगा, उनसे क्या लेना है बच्चे इनसे? नहीं कल को और कोई किस तरीके की हेसनेस हो जाती है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना उस टाइम पे? नहीं कर पाऊंगा, हो सके मतलब कि ये घाक हो जाए मैं पहले ही कर दूँ। अच्छा पहले कर देंगे आप? पहले? हाँ मैं पहले भी कर सकूँ। अभी तो आप बोलते हैं मैं लड़कों को बराबर का हिस्सा दूंगा, वो बराबर का तो आ गया ना, बराबर का बराबर का ही हो जाएगा, बराबर का ही उन करवा दूंगा और बराबर का ही इसका हो जाएगा छुट्टी ना, बच्चे इनको जोड़ वहाँ पे ना किसी को जोड़, मतलब बराबर का हिस्सा दे करके आप अपनी बीवी का भी अलग हिस्सा रखेंगे? हाँ ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ अलग हिस्सा रखेंगे। तो बीवी रह लेगी फिर ऐसे ही? कैसे रहेगी? तो आपकी बातें हुई हैं कि भाई इस तरीके से मेरी उम्र है, ज़्यादा उम्र हो रखी है मेरी,
हाँ ये होगी उन्हें जिंदगी राजी फुल राजी। क्या बोला उन्हें? कही मैं राजी, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए, कुछ मतलब मिले मतलब एक मैं राजी हूँ, मैं शादी मतलब एक शादी से राजी। अच्छा ये बताइए, शादी से पहले आपने लड़की से पूछा था कि मेरी उम्र इतनी है, आपकी उम्र इतनी है, कही कैसे शादी करूँ आपसे? कही हाँ, फिर क्या बोली? वरनो कही मैं काम की नहीं हूँ किसी जवान लड़का के लिए, ये बोले ये। हाँ उसने छोड़ी नहीं, मैं आगे क्या बताऊँ, इनके माँ पापा मन समझने मतलब खूब पतो है। अच्छा हाँ, इसलिए मुझे दो रोटी की जरूरत है कि सहारे से आपको भी वो हो जाए, हम रोटी मतलब कि बच्चे बच्चे नहीं होंगे, थोड़ा समझाओ काम की नहीं मतलब। उसके लिए ये शादी में गई थी, इसके लिए इनके काका ताऊ ने ये सारे इन्हें पतो है, उसके लिए इन्हें जब इसका ब्याह भेज दिया है, उसके बाद में इन्हें ये वह छोरा का नंबर लिया है बीबीपुर वाले ने। अच्छा, जो खुशपुर का लड़का है। हाँ हाँ, फिर उससे बातचीत हुई यहाँ, अकेक माँ बदमाश है या आप बदमाश है ये राखलिन काबिल नहीं। अच्छा, ये बीबीपुर वालों ने उनको बोला है, उनको बोला इनसे खिलाफत मतलब किसके मामा ने ब्याह करा था ना। हाँ। इसलिए अच्छा ये वहाँ ये लड़की चलेगी, 15-16 लाख रुपये लगाए इन्हें शादी में, बता रहे हैं 15-16 लाख रुपये लगे। अच्छा ब्याह क्या है फिर? बढ़िया तगड़ा मोटरसाइकिल से घर को ये संजोना छोड़ी इन्हें, जो मतलब एक रह जाए। अच्छा वहाँ जाके इस लड़की के चारों हाथ पांव मतलब एक वाक बांध दिए बैठ के। अच्छा, और उन्होंने खुशपुरी वालों ने? हाँ उस लड़का ने। हाँ हाँ, जिससे पहली शादी हुई। हाँ खुशपुरी वाला, ठीक है। ये तो हम ना जाना रबड़ क्या है, ये 6 महीना में ठीक हुई है, उस रबड़ से इसका 3 जगह इस्तेमाल कराए मतलब प्राइवेट पार्ट में। हाँ हाँ, फिर जबरदस्ती ये तो मतलब। हाँ लड़के ने ये तो हाँ बोलन लायक भी अभी अब हुई है, तो मतलब 3 महीने बाद में बोलने लगी, उसके मामा ने जाके पूछो। अच्छा, जब शादी होकर के गई तो शादी में ही किया था ये? हाँ उसी रात को। मतलब लड़का खुश नहीं था? खुश नहीं था, वो नकी तू बच्चे गैर का आई है, तू मतलब एक तेरे काकता हुए कह रहे हैं कि दोनों माँ बेटे से धंधो करवाती हैं। ये बोला लड़के ने? हाँ, वो करके गया था ना, इसके लिए टोकरी करके दी उनने, ना जेवर चढ़ाओ और मोटरसाइकिल पिलाओ उतार के दरवाजे, फिर सौंप गए मतलब एक बार में ही। हाँ तलाक गो। हाँ एक बार में तुरंत ही। हाँ अच्छा, उसने तो ये आरोप लगाया लड़की के भाई ने कि वो मेरे लायक नहीं है, उस संजीदा ने बोला तो वो इसलिए मतलब एक शर्म के मारे वो खोल ना सके ना इस बात को, तो इनके मामा और उनने पूछो क्या हुआ ये, वो आगे मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, वो तो बोल रहे कि भाई जो सपात है, सपात ने आपसे मिलवाया है, सपात ने आपकी शादी करवाई है, क्या मामला है? नहीं, ये गलत है, आज तक भी कोई सपात की बात नहीं है हमारे पास। अच्छा आप कैसे जानते हैं सपात को? हमारा चाचा लगता है, बड़े हूँ लिखा है सपात। हाँ सपात आपका चाचा लगता है? हाँ चाचा लगे। अच्छा वो लोग बोल रहे हैं कि यानी कि लड़की का बड़ी हुंचपुरी का है। अच्छा बीबीपुर वाले कह रहे हैं कि जो जो लड़की की माँ है उसके साथ उसके अवैध संबंध थे, या फिर उसने वीडियो बनाया है, उसने जबरदस्ती नहीं देखी भी नहीं इसने, तो उसका नाम कैसे ले रहे हैं ऐसे थोड़ी? तो ये वो ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, इसने तो ये देखी भी नहीं। अच्छा ये देखी नहीं है, तो फिर ये मतलब जांच अधिकारी बन के कैसे गाँव में गए भाई? इस बात की मुझे पता ना कैसे गए, कैसे मैं कि जांच अधिकारी हूँ मैं, एंटी पता हूँ मैं, इतनी बताऊँ ना मैं झूठ बोलूँगा ना, आज तक मैंने बिरादरी में बोलूँ ना कहीं, बोलो ना मैं झूठ ना बोलूँ, लाड़त कटवा लूँगा लेकिन झूठ ना बोलूँ, मुझे आगे कुछ पता ना। बीपुर के बोल रहे हैं भाई नक्कस वक्कस दिए हैं, नक्कस का सर है, तो ऐसी बात नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, नक्कस कोई नक्कस नहीं, नहीं कोई किसान चीज कोई है, नक्कस दे किसके क्या करना है, नक्कस करवा के अपने बस में कर लिया है? नहीं नहीं बिल्कुल गलत, इनका मन वो करवाते हैं जिसकी कमी हो, मेरे बच्चे की कमी नहीं, रोड टूक की कमी नहीं, मेरे बच्चे हर चीज़ की सुविधा, कोई दुखी नहीं है, हम दुखी है, दुखी ना हो मैं कैसे ही अपने घर से। तो ईसा नाम के बुजुर्ग शख्स हैं, उनसे हमारी बातें हुई, उन्होंने कई सारी बातें की हैं, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने शादी की है, यानी कि अब लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि नक्कस का असर है, कोई कह रहा है कि उन्हें और ज़्यादा दबाव में लिया गया है, लेकिन जो खुशपुरी का मामला था जहां पर लड़की की पहले शादी हुई उसके बारे में भी बड़े बड़े खुलासे ईसा ने किए।